टू डराइव न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फ्रॉम कैपलर्स लॉ। तो मुझे क्या करना है, मुझे कैपलर्स लॉ को यूज करके न्यूटन लॉ को प्रूव करना है। क्या है न्यूटन का लॉ? एफ इज इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। लेकिन उसको यूज नहीं करना, उसको तो प्रूव करना है। जबकि पिछला टॉपिक क्या था, कैपलर लॉ का प्रूफ है बाई यूजिंग न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो देखा जाए तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज किया मैंने और यहां से कैपलर लॉ प्रूव किया। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि न्यूटन लॉ प्रूव करना है बाय यूजिंग कैपलर लॉ। कोई बात नहीं, एक फिर से वही अर्थ घूम रही है, अर्थ के पास क्या है, सेंट्रिपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर। अब मैं ये नहीं बोल सकता ना ये सेंट्रिपिटल ग्रेविटेशनल पुल की वजह से है, वही तो प्रूव करना है जी एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर, कैसे यूज करूं। तो मैंने फोर्स पुट कर ली, तो ये फोर्स का फॉर्मूला है जो टूवर्ड सेंटर एक्ट कर रही है, इसका नाम है सेंट्रिपिटल फोर्स। वी की वैल्यू क्या होगी अर्थ की, टू पाई आर बाय टाइम पीरियड टी, डिस्टेंस अर्थ का टू पाई आर और टाइम पीरियड टी। इस v की वैल्यू को यहां पुट करके ये टर्म आएगी, स्क्वेयरिंग करके 4 पाई स्क्वायर r स्क्वायर t स्क्वायर ये टर्म आएगी, यहां से 4 पाई स्क्वायर t स्क्वायर आगे आ गया ये टर्म आएगी। अब एक चीज चेक करो, कैपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, आज अभी हमने किया t स्क्वायर सम कांस्टेंट इनटू r क्यूब। इस t स्क्वायर को उठा के डिनोमिनेटर में पुट करेंगे तो ये टर्म आएगी, r क्यूब से r कट गया तो r स्क्वायर आएगा, आधा फॉर्मूला तो बन ही गया, एफ इज समथिंग समथिंग इनटू एम बाय आर स्क्वायर, क्या रह गया जीएम रह गया। ये किसका मास चल रहा है, अर्थ का मास चल रहा है, किसका मास रह गया, सन का मास रह गया। तो ये जो 4 पाई स्क्वायर बाय के है, के किस पे डिपेंड करता है पता नहीं अभी तक, तो ये 4 पाई स्क्वायर बाय के सन के मास पे डिपेंड करता है, क्योंकि न्यूटन के लॉ में एक मास पेंडिंग है और वो क्या है, मास ऑफ सन। तो मास ऑफ सन और यहां पर एक कांस्टेंट लगता है यूनिवर्सल कांस्टेंट कैपिटल जी, इस कैपिटल जी एम को यहां पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा जी एम एम बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये स्टेप अजीब सा लगता है, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये अजीब सा लगता है यार, ये प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ सन और मतलब जी लगाया और काम खत्म कर दिया, लगता है तो लगता है ये आंसर है, ठीक है। बट कितना अच्छा होता कि अगर मैं ऐसा करता, फ्रॉम कैपलर्स थर्ड लॉ, पिछला टॉपिक ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, फिर ये लिख दिया, आ गया भाई यहां से प्रूव करके टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, वहां से प्रूव करके ये एक्चुअल में अगर आप देखो तो हुआ यही है। ध्यान से देखो आखिरी स्टेप्स क्या हैं, आखिरी स्टेप में 4 पाई स्क्वायर जी एम, यही तो के था, 4 पाई स्क्वायर जी एम, नीचे भी देखो क्या चल रहा है, 4 पाई स्क्वायर बाई के की जगह ये देखो 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम के, एक ही बात है। तो आप याद कर लो यार, इसको पुट करके खत्म करो यहां तक, ठीक है यहां तक।